क्या हुआ शानी? उस फ्रॉडी ने बता दिया ना कि खावर भाई के पास उसको शानजे ने भेजा था। जवाब दो ना शानी, तुमने खावर भाई को बताया कि वो झूठ बोल रहा था और तुम दोनों ने उसको छोड़ क्यों दिया? अब नहीं आएगा वो तुम्हारे पीछे, उसका काम खत्म हो गया। काम खत्म हो गया? काम कैसे खत्म हो गया? बल्कि ये बोलो कि सच्चाई सामने आ गई कि शान से नहीं उसको भेजा था और अब वो मजीद कुछ नहीं करेगा। हाँ, अब मजीद कुछ नहीं करेगा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो शानी? कुछ नहीं। उस आइंदा तुम मामी को बताए बगैर इस तरह घर से मत निकल, ठीक है? ठीक है, अब तुम जाओ। नहीं, तुम्हें पहले अंदर तक छोड़ दूं फिर चला जाऊंगा। अगर अम्मी जाग रही हुई ना तो बहुत सख्त बातें सुनने को मिलेंगी। सुन लूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम सुनो, क्योंकि तुम शानजे को मेरे सामने इतना डिफेंड करते हो। अगर उनके सामने किया तो मैं उनकी नजरों में अपने लिए तंज देख नहीं पाऊंगी। खुदा हाफिज। अंदर नहीं आया, वो बाहर से ही चला गया। कौन? मैं सोई नहीं थी सजीला, उस वक्त से जाग रही हूँ जब बाहर का दरवाजा बंद हुआ था। मम्मी, मेरा शानी से मिलना जरूरी था। अगर मैं आज उसको ना रोकती तो वो लड़की बिला वजह मुझे सबके सामने बदनाम करती फिरती। और तुम यूं अंधेरे में घर से बाहर निकलोगी, शानी के साथ घूमो फिरोगी तो बड़ी नेक नामी कमाओगी। शुक्र है आपको ये तो यकीन है कि मैं शानी से मिली थी, किसी और से नहीं। क्या फर्क पड़ता है? शानी का साथ कौन सा तुम्हारे लिए बाइसे इज्जत बन रहा है? वो फ्रॉडिया मिला था मैं आज। शानी ने तो खूब सुनाई उससे। क्या? कैसे? कहाँ मिला वो तुम्हें? इत्तेफाक से अम्मी, खावर भाई के साथ खड़ा था। खावर? वो नादिया का शौहर? उसके साथ क्या कर रहा था वो? क्या कर रहा होगा, उनके कान ही भर रहा होगा। शानी ने उसका गिरेबान नहीं पकड़ा? पकड़ा था, मैं दूर से खड़ी देख रही थी, लेकिन खावर भाई ने रोक दिया कि रोड पे तमाशा हो रहा है। उसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए था शानी को। एक एक सच उगलवाता उससे, बल्कि अपनी बीवी और माँ के सामने सच उगलवाना चाहिए था। वो के सामने एक दिन अम्मी सच खुद आ जाएगा। आखिर कब तक इस शान से अपनी डिटाई का मुजाहरा करती रहेगी? हाँ, बस बेफिक्र होके सो जाए अम्मी। जिस दिन पप्पू के सामने सच्चाई आई ना, उस दिन उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि जिस बहू के वो गीत गाती फिरती है वो औरत कितनी मक्कार है।